चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आया हूँ अपने गाँव से 2 किलोमीटर दूर, यानी कि अपने गाँव से सटे हुए एक दूसरे गाँव में, जिसका नाम है सिकंदरपुर। आज मैं आया हूँ अपने सिकंदरपुर नदी किनारे घूमने, और आज मैं आप लोगों को वहाँ कुछ चीज़ों को दिखाऊंगा और वहाँ की चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आप लोग ना देखे हो और ना सुने हो। तो चलिए मैं आप लोगों को वहाँ की चीज़ें और वहाँ के दृश्य को दिखाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है सिकंदरपुर का घाट, सिकंदरपुर का नदी घाट, और यहाँ के दृश्य को देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ की कुछ खास विशेषता मैं बता दूँ कि यहाँ पर काफ़ी सालों से अभी तक कोई पुल नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के लिए लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं सामने नाव पड़ी हुई है। और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, जैसा कि जब से मैं एक बार जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब भी एक बार फिर आया था यहाँ पर घूमने के लिए, मैं तब से देख रहा हूँ, आज भी वही हाल है यहाँ का, और आज भी लोग नाव से इस पार से उस पार जाते हैं। और ये जो नाव वाला रास्ता है, यहाँ से लोग नूरदीपुर और जियनपुर और अनजान सहित की का मार्केट करते हैं। ये नाव वाला रास्ता लोगों को नूरदीपुर और सिकंदरपुर से जोड़ता है, और आज भी यहाँ पर नाव द्वारा लोग मार्केट करने जाते हैं और करते हैं। और काफ़ी सालों से यहाँ का रास्ता वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई आने जाने का साधन नहीं है, सिर्फ नाव के सारे लोग आते जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग यही। चलिए यहाँ के बारे में और आप लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, चलिए आप लोग मंदिर के पास लेकर चलते हैं और मंदिर को दिखाते हैं, सिकंदरपुर का मंदिर कैसा है, क्योंकि काफ़ी साल हुए हैं हमें यहाँ पर आए हुए, और पहले जब भी हाई स्कूल में पढ़ते थे तब यहाँ पर आते थे कभी कभी। देखिए ये सिकंदरपुर के नदी किनारे का काफ़ी खतरनाक वृक्ष पीपल का पेड़ देख सकते हैं आप लोग, इसकी जड़ें आप लोग देखिए कितनी खतरनाक लग रहा है यह पेड़। और काफ़ी अच्छा भी, सामने जो है मंदिर है सिकंदरपुर का, तो वहाँ पर भी आप लोग ले चलेंगे और दिखाएंगे। तो देखिए यही है सिकंदरपुर का घाट और सिकंदरपुर का नदी किनारा, और यह सिकंदरपुर की सीढ़ियाँ जो कि टूट चुके हैं, और शायद प्रशासन भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता और ना ही बनवाने का कोई आता होगा यहाँ पर। और यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी काफ़ी कठिन था, क्योंकि मैं साइकिल से था इसलिए आया यहाँ पर, अगर 4 चक्का और 2 वाहन होता तो यहाँ पर नहीं आ पाता, देख सकते हैं आप लोग। और सिकंदरपुर का यही एक घाट है, जहाँ पर भी छठ पूजा भी यहीं पर होती है, और सिकंदरपुर का जो यज्ञ होता है यहीं पर भी होती है, जो सामने आप लोग देख रहे हैं टूटा, इस टाइम अभी टूटा हुआ है, यहाँ पर सिकंदरपुर का यज्ञ भी होती है। और यह सिकंदरपुर का मंदिर, और देख सकते हैं आप लोग जो सिकंदरपुर और नूरदीपुर को जोड़ने वाला जो पुल बन रहा है वो सामने बन रहा है, और ये कब तैयार होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी दिनों से बन रहा है, और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ इस पुल को, इसी तरह अभी भी काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, अभी भी काम जारी है। कहते हैं आप लोग काफ़ी दिनों से ये पुल बन रहा है और अभी तक बन नहीं पाया, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर ध्यान शायद नहीं देती, या फिर और नहीं तो अब तक ये पुल जब से बन रहा है अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, और ये रास्ता अब तक चालू हो जाना चाहिए था, मगर यहाँ पर लेकिन अभी भी यह पुल रुका हुआ है उसी तरह, सिर्फ
पावा खड़ा कर चुका है, 1 2 3 4 चार पावों पर ये पुल खड़ा बनेगा और अभी भी बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर हरा भरा मैदान और यह सिकंदरपुर का मंदिर। तो आइए आप लोगों के लिए चलते हैं सिकंदरपुर मंदिर के पास और दिखाते हैं आपको सिकंदरपुर का जो मंदिर है उसे। देख सकते हैं आप लोग जो है सिकंदरपुर का मंदिर। चलिए आप लोग दिखाते हैं उस मंदिर को। ये सिकंदरपुर का मंदिर लोग देख सकते हैं, ये लोगों को बैठने के लिए बना हुआ है, 2 सीमेंट की मेज और ये टंकी जो है। ये जो है सिकंदरपुर का मंदिर लोग देख सकते हैं। काफ़ी पुराना मंदिर और नया भी दिख रहा है, काफ़ी लग रहा है अभी जल्द पेंट वेंट हुआ है। काफ़ी अच्छा मंदिर दिख रहा है और मंदिर हमारे मंदिर से भी काफ़ी अच्छा मंदिर दिख रहा है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। देख सकते हैं हम लोग ये सिकंदरपुर का मंदिर। हम आए थे इसी मंदिर को देखने और देख भी लिया और आप लोगों को दिखा भी लिया। कैसा लगा आप लोगों को सिकंदरपुर का मंदिर और कैसी है यहाँ की व्यवस्था? और व्यवस्था तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं, सिर्फ एक लोग हैं और वो भी पूजा करने के लिए आई है। देख सकते हैं आप लोग ये सिकंदरपुर का मंदिर। देख सकते हैं आप लोग। आइए आप लोग दिखाते हैं इस मंदिर को किसने बनवाया है। देख सकते हैं दिवा सिंह पत्नी विशाल सर, 28 अगस्त 2022 को पूर्ण कराया गया इस मंदिर को और इस मालिक से ऋषिकेश पांडे। इस मंदिर को पूरा किए पूरा करवाए हैं। तो देखा आप लोगों ने, मैंने आप लोग दिखाया अपने सिकंदरपुर का मंदिर और यहाँ पर मैं आज घूमने आया था काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए थे। तो आज मैंने सोचा कि आज चलते हैं सिकंदरपुर ब्लॉग बनाने और आप लोग दिखाने कुछ अलग चीज़ और अलग दृश्य। तो आया था इसी साइकिल से और जो कि देख सकते हैं आप लोग मेरी साइकिल जो यहाँ पर है, साइकिल से मैं आया था सिकंदरपुर घूमने और मैंने यहाँ का ब्लॉग बनाया आप लोग दिखाया। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग और कैसा रहा यहाँ का दृश्य, आप लोग बताएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।